नमस्ते दोस्तों, आज जिस टॉपिक को लेकर हम बात करेंगे वो है पैरेलल कंप्रेशन ऑन ड्रम सेक्शन। आपको पता ही है कि ड्रम्स में किक रहता है, स्नेयर रहता है, टॉम सेक्शन रहता है और ब्रास सेक्शन रहता है। तो इसको जब हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं अलग अलग ट्रैक पे, इंडिविजुअल ट्रैक पे जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसमें तो हम लोग कंप्रेसिंग देते ही हैं। वो सब करने के बाद भी हमको अलग से ड्रम्स को पैरेलल कंप्रेसिंग करना पड़ता है ताकि उसमें जो छोटा मोटा जो लो स्पेल वाला जो साउंड है ये सब साउंड हमको साफ साफ सुनाई दे। तो ये जो आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं इस प्रोजेक्ट में लेकिन ड्राम्स भी है, तो अदर्स जो इंस्ट्रूमेंट्स है जो लाइक बास गिटार, कीबोर्ड्स एंड अदर्स गिटार्स, तो ये सब छोड़ के आज हम देखेंगे कि ड्राम सेक्शन के ऊपर आप कैसे पैरेलल कंप्रेशन करेंगे और पैरेलल कंप्रेशन करने के साथ साथ आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। ये देखिए, ये है ड्राम सेक्शन जो था, इसका किक है, स्नेयर यहाँ पे है, किक है और ओवरहेड्स है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया था कि ओवरहेड्स मतलब ब्रास सेक्शन जो है ये सेक्शन को हमने अलग से रिकॉर्ड किया था, अलग ट्रैक पे रिकॉर्ड किया था। स्नेयर टॉम सेक्शन के हम लोगों ने एक ही ट्रैक में रिकॉर्ड किया था और जो किक है उसको अलग ट्रैक में रिकॉर्ड किया था हम लोगों ने, ठीक है। लेकिन जो ओवरहेड है मतलब किक एंड स्नेयर, ये जो देख रहे हैं आप ये है कम्प्लीटली मोनो ट्रैक, लेकिन ओवरहेड ट्रैक जो था ये ओवरहेड्स को हमने स्टूडियो फील्ड में रिकॉर्ड किया, दो माइक देखे। तो उसमें हमको क्या फ़ायदा मिला, क्योंकि जब राइट सिंबल एंड क्लोज हायर्स एंड लेफ्ट सिंबल जब स्ट्रोक हो रहा है तो उस टाइम हमको स्टूडियो इफेक्ट मिलेगा, इसीलिए हमको स्टूडियो ट्रैक में उसको रिकॉर्डिंग करना पड़ा। तो अभी इसमें देखते हैं इसका जो मिक्स विंडो जो है, यहाँ पे देख रहे हैं आप सेम ट्रैक जैसे कि है आपका स्नेयर के लिए भी हम लोगों ने जी चैनल लिया था, SSL जी चैनल और API 550 लिए थे वहाँ पे, ठीक है। आप गौर कीजिए यहाँ पे 560 है और मतलब ओवरहेड्स के लिए, और स्नेयर सेक्शन, स्नेयर एंड टॉम सेक्शन के लिए हम लोगों ने लिया था API 550 है, और इसके बाद किक के लिए हम लोगों ने लिया है यहाँ पे API 550 है प्लस उसके साथ साथ SSL का ई चैनल, ठीक है, ये जी चैनल नहीं है, ई चैनल है। ये तीनों को लेके हम लोगों ने यहाँ पे एक टेंटेटिव बैलेंस किया है। तो चलिए सुनते हैं उसका मतलब रिपोर्ट कैसा है, उसका टोन कैसा है, सुनते हैं। तो ऐसा एक हमको टोन मिला है, ओवरहेड सबको सुना रहा हूँ, सिर्फ ओवरहेड चल रहा है, उसको थोड़ा सा कम रखा। उसके बाद स्नेयर सेक्शन देखिए, ये स्नेयर चल रहा है, उसमें अगर टॉम्स भी रहेगा थोड़ा बहुत टॉम्स ट्रम्पोन आपको यहाँ मिलेंगे, और किक ट्रैक। तो किक को मैं अलग से रखा हूँ, स्नेयर एंड टॉम्स को मैं अलग से रखा हूँ और ओवरहेड को मैं अलग से रखा हूँ, और उसमें जो हमको प्लगइन्स देना है दे दिया है, एक वीसी ट्रैक के ज़रिए अलग एक जगह में लिया है ताकि हम उसको बाद में कम ज़्यादा कर सकें। देखिए मैं इसको अगर कम ज़्यादा कर सकता हूँ यहाँ से, तो मान लीजिए कि ऐसा कुछ -5 में मैंने रखा इसको, वीसी ट्रैक को -5 में रखा है, और इसके बदले में मेरे को क्या मिल रहा है, मेरे को वैसा टोन मिल रहा है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा राइट को बढ़ा भी सकते हैं और स्नेयर का साउंड थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तीनों को आप बैलेंस करने के बाद आप अगर चाहे तो इसमें इसको सबको एक साथ कम ज़्यादा कर सकते हैं वीसी ट्रैक के ज़रिए। लेकिन आज का मतलब आज का टॉपिक ऐसा नहीं है, आज का टॉपिक है कि मैं ये जो मैंने यहाँ पे तीनों को तो कंप्रेस करके अलग अलग EQ देके हमने इसको टोन बनाया, लेकिन इसको अगर पैरेलल कंप्रेसिंग करेंगे तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। देखिए इसके बगल में जैसे कि मान लीजिए 1, 2, 3 ये तीन ट्रैक है, इसके बगल में मैं और एक ट्रैक लेता हूँ, एक स्टीरियो ऑक्सिलरी ट्रैक लेता हूँ और क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, इसको मैं नाम दूंगा पी कंप्रेशन, ठीक है, पैरेलल कंप्रेशन। तो ये जो ऑक्स ट्रैक लिया है इसका भी आउटपुट आउटपुट 1, 2 जैसे हैं, ये कर देते हैं हम आउटपुट 1, 2, क्योंकि सबका आउटपुट 1, 2 है, ये भी 1, 2 रहेगा, और इसको भी सोलो करता हूँ क्योंकि बाद में इसको हमको चाहिए।
तो ये एक्चुअली एक ऑक्सिलरी ट्रैक है, तो इसका इनपुट मैं लेता हूँ, आपको लेना पड़ेगा इनपुट, यहाँ पे कोई भी एक खाली इनपुट लीजिए, बास लीजिएगा 19, मैं बास लेता हूँ यहाँ पे क्योंकि 19 बास खाली है, और यही 19 बास मैं इसमें भी लगा दूंगा, ठीक है, जैसा ओवरहेड में 19, और इसके बाद स्नेयर था, स्नेयर पे भी आपका ऑक्सिलरी बास नंबर 19 जाएगा, और किक जो है इसमें भी ऑक्सिलरी बास नंबर 19 जाएगा। इसका मतलब क्या है, 19 के ज़रिए जो सिग्नल आएगा वो सिग्नल इनपुट होगा ये पैरेलल कंप्रेशन जो मैंने ऑक्सिलरी ट्रैक लिया है इसके ऊपर, और ये आउटपुट वांड से निकल जाएगा। लेकिन अब ये जो आपने लिया है 19 जो लिया है सबका, लेकिन सेटिंग देखिए यहाँ पे जो मिक्सर सेटिंग है थोड़ा सा कम ज़्यादा तो है ही सबका, तो एक काम करते हैं तीनों का जो ओवरहेड स्नेयर एंड किक इन तीनों को एक साथ सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल ऑल्ट एज दबाना पड़ेगा, ठीक है। कंट्रोल ऑल्ट एज दबाने से क्या होगा, करंट वैल्यू ऑटोमेशन वॉल्यूम पैन जो यहाँ पे है इसे कहते हैं कॉपी टू सेंड, तो इसका जो सेटिंग यहाँ पे है सेम सेटिंग ये जो सेंड है यहाँ पे भी आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो किक का मैंने यहाँ पे जीरो लिया था, मैं कॉपी टू सेंड जैसे मैं ओके करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे आ गया, देखिए, ठीक है। इसका देखिए यहाँ पे है जो स्नेयर, जो है स्नेयर का जो है उसको देखिए कहाँ पे आएगा, स्नेयर थोड़ा सा कम, और उसके बाद ये जो ओवरहेड है उसका देखिए इससे कम, ऑटोमेटिकली ये कॉपी टू सेंड हो जाएगा। जितना अमाउंट ऑफ सिग्नल आप यहाँ से छोड़ रहे हैं सेम अमाउंट ऑफ सिग्नल आपका बास में भी होना चाहिए, बास में भी होना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा आप। ये सिग्नल सिर्फ उसी प्रोपोर्शन में आ रहा है जिस प्रोपोर्शन में आपने बाकी तीन ट्रैक को लेवल दे रखा है। तो चलिए अभी तो इसको तो सिग्नल आ रहा है, यहाँ से सिग्नल आ रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे एक डायनामिक्स, तो जैसे कि प्रोड्यूस में मिलता है डायनामिक कंप्रेसर, तो ये कंप्रेसर हम लेंगे और इसको बजाते हुए हम इसको प्लेबैक करेंगे। चलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे जो कंप्रेसिंग हो रहा है बाय डिफ़ॉल्ट जो कंप्रेसिंग हो रहा है, इसका जो थ्रेशोल्ड लेवल है थोड़ा सा और भी कम कर दीजिए, क्योंकि हमको इसमें सिर्फ जो लो एसपीएल वाला जो साउंड है उसको पंप अप करना है, और जो हाई एसपीएल वाला जो साउंड है उसको भी एक डायनेमिक लेवल के अंदर लाना है हमको, हमारा मकसद यही है पैरेलल कंप्रेशन का। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इसको -33 या 40 ऐसा कर देते हैं, देखते हैं। और इसका जो अटैक रेट थोड़ा सा फास्ट नहीं, थोड़ा सा स्लो कर दीजिएगा, और रिलीज डेट भी थोड़ा सा स्लो कर दीजिए। उसमें क्या होगा, जो सिग्नल ओवर मतलब ओवर थ्रेशोल्ड लेवल जा रहा है उसको वो लिमिट करेगा, देखिए कर रहा है। और इसका जो नी लेवल है इसको हम रखेंगे लगभग 30 dB के आसपास, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, कॉर्नर जो है इसका जो नी लेवल है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, 29.9 या 30 dB मैंने नी लेवल रखा है, और रेशियो आपको रखना चाहिए 14 के आसपास, अगर रखेंगे तो आपको चेक करना पड़ेगा पहले साउंड कितना स्मूथ हो रहा है, उसी हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। देखिए अभी मैं इसको थोड़ा सा रेशियो का थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, 15.4:1, ठीक है। इसका रिलीज जो रेट है 1.1 सेकेंड, थोड़ा सा और भी बढ़ाता हूँ 1.4 सेकेंड, ठीक है। और अटैक लेवल जो है 38.2 मिली सेकेंड। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका गेन रिडक्शन कहाँ तक जा रहा है, -12 dB या -16 dB तक जा रहा है, लेकिन साथ में आपका जो आउटपुट जो है आउटपुट थोड़ा सा कम हो गया है इस इनपुट के हिसाब से, तो आउटपुट को हम लोग यहाँ से एडजस्ट करेंगे। जो इनपुट लेवल आ रहा है उसके हिसाब से आपको आउटपुट होना चाहिए, तो आउटपुट यहाँ पे ज़्यादा है, थोड़ा सा -12.6 ऐसा ठीक रहेगा कि -12.7 करेंगे।
तो मेरे ख्याल से शायद अभी ये पैरेलल जा रहा है, कभी कभार ऊपर जा रहा है, क्योंकि जब लो साउंड उसमें आएगा उसको भी पंप अप कर रहा है ये। तो ऐसा एक सिचुएशन आ रहा है अभी यहाँ पे, देखिए। लेकिन आपको जब ये करना है बिल्कुल इसको नीचे कर दीजिएगा, क्योंकि इसका साउंड भी एनालॉग 1-2 के साथ मर्ज हो रहा है। तो इसलिए पहले इसको 0 में रखिए और इसको चेक कीजिए, ठीक है। इसका गेन रिडक्शन जो आ रहा है -15 के आसपास आ रहा है, और गेन के जरिए इन दोनों का इनपुट एंड आउटपुट मैं इक्वल कर लिया हूँ। थ्रेशोल्ड मैंने रखा है -34.1 dB, थ्रेशोल्ड को उसी हिसाब से आप एडजस्ट करेंगे। और उसके साथ साथ रिलीज़ को मैंने थोड़ा सा स्लो कर दिया और अटैक को भी स्लो कर दिया, मतलब उसको जो अटैक रेट जो है, अटैक रेट थोड़ा सा स्लो इसलिए किया क्योंकि उसका जो हाइस्ट पिक पॉइंट जो है, जो जितना थ्रेशोल्ड लेवल बियॉन्ड जा रहा है, जल्दी से पकड़ ना पाए। लेकिन इसका रिलीज डेट भी स्लो रखा ताकि जो बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड लेवल जा रहा है उसको धीरे धीरे छोड़े। उसमें क्या होगा, उसमें जो लोएस्ट पेल वाला जो साउंड हमको मिल रहा है, ये साउंड को लेकिन हम पंप अप कर रहे हैं गेन के ज़रिए, और उसी हिसाब से हम लोगों ने नी लेवल एंड रेशियो दिया है। ये जो सिग्नल साउंड कर रहा है, इसके साथ साथ अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं ये जो पैरेलल कंप्रेशन जो है, पी कंप्रेशन जो है, इसको मैं थोड़ा सा धीरे धीरे करके लेवल को बढ़ाता रहा हूँ, ठीक है। देखिए साउंड थोड़ा सा चेंज आएगा, मैं -0.1 dB तक गया और मैं अभी इसको ऑफ कर रहा हूँ। देखिए बिफोर द पैरेलल कंप्रेशन साउंड कैसा था, ऐसा, ठीक है। मैं अभी पैरेलल कंप्रेशन का जो चैनल है उसको मैं सोलो कर रहा हूँ, मतलब ऑन कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि ये जो इसका जो स्नेयर का जो साउंड था, उसका जो थ्रश और साथ में किक का जो थ्रश, सब कुछ लेकिन बहुत पंची हो गया है। ये पंची साउंड लेने के लिए हमको पैरेलल कंप्रेसिंग करना पड़ता है, इसीलिए हम लोगों ने पैरेलल कंप्रेसिंग किया। आप खुद एक बार सुन लीजिए, मैं अभी ऑफ करता हूँ इसको, सुनिए। मैं पैरेलल कंप्रेसिंग जो ट्रैक है उसको ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, ऑफ कर रहा हूँ। फिर ऑन कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा ना, इसमें जब आप कोई भी एक सॉन्ग पे, सॉन्ग के हिसाब से, मतलब सॉन्ग पे जब आप ड्राम्स को अप्लाई करेंगे तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम जैसा होता है कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ट्रैक के पीछे ड्राम्स खो जाता है, तो ऐसा नहीं होगा। आप ड्राम्स का जो लो वाला जो, मतलब लो एसपीएल वाला जो साउंड है, मान लीजिए कोई टॉम्स का है या साइड ड्राम्स का है, तो वो साउंड भी आपको प्रोमिनेंट सुनाई देगा उसमें। एक बार चेक करते हैं और उसके साथ साथ हम गाना को भी एक बार प्ले करेंगे, इसके अंदर जो गाना था, सुनिए। मैं सब कुछ उठा देता हूँ, तो दोस्तों ये था पैरेलल कंप्रेसिंग करने का फ़ायदा। जो अगर पैरेलल कंप्रेसिंग करेंगे तो आपका साउंड, जो ड्रम्स का साउंड, और भी फ्रंट में आ जाएगा और भी बहुत क्रिस्टल क्लियर सुनाएगा आपको। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आया। अगर पसंद आते हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और बहुत बहुत प्रैक्टिस करते रहिए, सावधान से रहिए। नमस्ते।